please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बजट सत्र न चलने के विरोध में आज बीजेपी देशव्यापी उपवास करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ पार्टी के सांसद, विधायक और अन्य नेता भी पूरे दिन के लिए उपवास करेंगे। बीजेपी का ये उपवास हंगामे की वजह से बजट सत्र के बेकार चले जाने के खिलाफ है। पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य नेताओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर कांग्रेस ने पीएम को उपवास की जगह संन्यास पर जाने की नसीहत दे दी। हम यही कहेंगे, आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, अगर आप इतने सचमुच इतने कमजोर और बेबस हैं तो सत्ता का सिंहासन छोड़िए और संन्यास पर जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आप अब आखिरी साल अपने कार्यकाल के में हैं। अब उपवास का समय नहीं, आपकी विफलताओं के चलते संन्यास का समय है। और अगर आप भी नहीं जागे तो ये मान लीजिए कि 2019 में फिर वनवास का समय है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से पूछताछ हुई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी के बाद करीब 1 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक महिला अपने साथी के साथ बाजार से एक मोटरसाइकिल चुराकर फरार हो गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से घाटी में सुरक्षा के हालात पर चर्चा की। शादी के लिए लड़की की रजामंदी को जरूरी करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट में दखल से इनकार कर दिया। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विजयवाड़ा में रेल रोककर प्रदर्शन किया।